माननीय मंत्री महोदय, आप अगर प्रमाण सहित शिकायत दोगे तो पूरी जांच करके दंडित किया जाएगा। 2018 से पेंडिंग है। क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र डग में शमशान कब्रिस्तान के विकास एवं रख रखाव के कार्य करवाए हैं? यदि हाँ तो किस किस योजना अंतर्गत एवं किस प्रक्रिया अनुसार विवरण सदन मंत्री को बोलने दीजिए। प्रश्न पढ़ रहे हैं मंत्री जी, प्रश्न पढ़ रहे हैं जी। हाँ मंत्री जी, प्रश्न पढ़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र डगमे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना। जी हाँ, उत्तर आ गया, उत्तर ही पढ़ रहे हैं मान्य सदस्य। अरे आप क्यों उठ रहे हो मान्य सदस्य? मान्य सदस्य आप बिना बात का मान्य सदस्य उत्तर पढ़ रहा हूँ मान्य सदस्य। अरे भाई कल भी आपको चेतावनी दी थी, उत्तर पूरा पढ़ लो। मान्य मान्य मंत्री एक मिनट, मान्य सदस्य आपको कल भी चेतावनी दी थी, बिना पूछे आप खड़े नहीं होंगे। मान्य धारीवाल जी सुनो, आपने बता दिया विधानसभा क्षेत्र डग में अगर आपकी भी वहाँ रुचि हो तो ग्रामीण विकास पंचायत विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना से 214, विधायक मत से 2, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना से 7 तथा SFC FFC से 7 शमशान कब्रिस्तान के विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जिनकी सूची संलग्न है। उक्त कार्य योजनाओं की मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार स्वीकृत किए हैं। क्रम संख्या 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र डग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं यथा नरेगा योजना में 104, विधायक मद में 1, महात्मा गांधी जनभागीदारी योजना में 3 कार्य शमशान कब्रिस्तान विकास के प्रगति पर हैं, जिनको शीघ्र पूर्ण करवा दिया जाएगा। उक्त कार्य में कोई भी कार्य क्षतिग्रस्त स्थिति में नहीं है। खंड 3, जी हाँ, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शमशान का विकास कार्य अनुमत है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्मित शमशान के एक बार की मरम्मत, रख रखाव, नवीनीकरण और पुनर्वास किया जाना अनुमत है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में शमशान विकास एवं रख रखाव से संबंधित कार्य ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने पर नियमानुसार स्वीकृत कर संपादित किए जा रहे। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2214 विधायक अपने महात्मा नरेगा के योजना के अंतर्गत बनाए गए और 7 EFC TFC से बनवाए गए, और इन्होंने बताया कि कोई भी आपका क्षतिग्रस्त नहीं है। बाकी देखने में आता है कि कम से कम आधे से ज़्यादा शमशानों पर चद्दर ही नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार में शमशान घाट बनाए गए थे उनको अपनी सरकार क्या सही कराने की मंशा रखती है? और हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय सदस्य की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि शमशान एवं कब्रिस्तान 230 स्वीकृत किए गए थे, उनमें से 122 बन गए, 108 निर्माणाधीन है, अधूरे जो पड़े हैं ये बता रहे हैं उनमें कोई क्षति है तो मनरेगा में एक बार उसका जो डैमेज हुआ है उसको सैंक्शन करके कराया जा सकता है, दोबारा अगर डैमेज होगा तो नहीं कराया जाएगा। माननीय सदस्य ऐसी कोई सूची दे देंगे तो हम उसकी स्वीकृति जारी कर देंगे। नंबर 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 104 अभी अधूरे बता रहे हैं, 104 और 4 और अन्य मत से ऐसे करके 107, इन 107 ये 2018 से स्वीकृत है, कुछ इनमें से ऐसे है 2018-19 से स्वीकृत और मौके पे कोई काम नहीं हुआ और 10-10, 12-12 लाख रुपए इनमें उठ गए। क्या जिन पंचायतों ने ये राशि उठा ली है उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करेंगे, या कोई अधिकारी या कोई JTA ने जो गलत MB करी है तो उनके खिलाफ उनके कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? माननीय मंत्री महोदय, आप अगर प्रमाण से शिकायत दोगे तो पूरी जांच करके दंडित किया जाएगा। 2018 से पेंडिंग है। पिछली सरकार ने सुस्ती बरती, कोई बात नहीं, हम तेज गति से कार्य कराएंगे। अगला प्रश्न, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव।